गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सब्जेक्ट कंप्यूटर से, जो कि क्लास वन का है, तो हम लोग रिवीजन वर्क में, एग्जाम का रिवीजन वर्क कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में आज हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए नंबर में है, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के नाम लिखें। आंसर है, द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। एक कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या-क्या हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस एंड सीपीयू। इसमें इसे मेन पार्ट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी एक भी पार्ट्स के बिना, अगर एक पार्ट्स को हटा दे तो ये तीनों का डिवाइसेस से, पार्ट से कंप्यूटर नहीं चल सकता है। मॉनिटर अगर रहे, कीबोर्ड ना रहे, माउस और सीपीयू, और कीबोर्ड को हटा दे तो भी कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। माउस ना रहे, मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू रहे तो भी कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है, हर कार्य नहीं हो पाएगा। सीपीयू के बिना तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो ये चारों पार्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, इसलिए ये चारों पार्ट्स को कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कहा गया है। बी नंबर, व्हाट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का ब्रेन किसे समझते हैं, किससे जानते हैं, किस पार्ट्स को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? आंसर हो जाएगा, सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू को ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कीबोर्ड में हम लोग कुछ भी टाइप किए तो कीबोर्ड उस चीज को नहीं समझता है, बस कीबोर्ड का काम है उस लेटर को या उस नंबर को टाइप कर देना, चाहे जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं वो समझता है सीपीयू, प्रोसेसिंग करके रिजल्ट निकालता है सीपीयू, इसलिए सीपीयू को ब्रेन कहा गया है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग याद करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे।